चक्कर में अम्मी देख बार बार बाहर भाग रही है, ये नहीं कि उठ के अपन तीनों मिलके भगा दे चुया। ये मेरा शेर, ये नारे 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 वो ये मेरा भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वही टाइम हो रहा 3:30 और हम करेंगे अभी फटाफट से नाश्ता, जो हमारा लगा हुआ है पहले से, ऑलरेडी बन चुका है। आ जाओ, पराठा और सालन है, तो बस पहले से नाश्ता कर दो, उसके बाद सारे काम करेंगे। सो गाइस, नाश्ता हमने कर लिया है और भाई रात को हो गया। यहाँ पे एक सीन, वो मैं आपको ज़रा बताऊंगा। उससे पहले हम ज़रा अपनी अम्मी से मिल लेते हैं। और अमान भाई से मिल के कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बस ये सब देखते रहे। और अम्मी बना रही है दाल, है ना अम्मी? दाल बना रही हो ना? मैं दाल बना रही हूँ, माश फ्राई। ओ माई गॉड, और हमाद हो गया फ्राई सोते सोते। हमाद सो रहे हैं, नाइट मैच से आएंगे, अब सो रहे हैं ये तो सोते रहेंगे। और हाँ भाई, रात को सीन ये हुआ, कहानी सुनो, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये लोग सो रहे थे, अम्मी वगैरह लेटे हुए थे, तो अचानक से आ गई दो चूहिया, जिनको मतलब चूहों की जो छोटी बहन होती है, वो आई। कहाँ से? हम लोग गेट अपना बंद रखते हैं, लेकिन वो साली यहाँ से निकल आई, इतनी सी छोटी सी जगह से, जाली में से निकल आई। एक गई इस कमरे में, एक गई उस कमरे में, अब सारे उठ के भागे। और फिर अम्मी को तो हमने सुला दिया भाई, क्योंकि अम्मी को बड़ा डर लगता है। अम्मी को हमने सुला दिया चार पाए पे। यहाँ पे अब श्यान भाई सो रहे हैं, सॉरी श्यान भाई, आप सो जाएं दोबारा से। यहाँ पे अम्मी सो रही थी, तो अम्मी उठ के फौरन फटाफट इधर आ गई। अब एक चुहिया तो पापा बोल रहे फजर में बार बार मतलब चले गई, पापा ने उसको भगा दिया बल्ले मार मार के, लेकिन हाथ में नहीं आई, लेकिन बाहर निकल गई इतना। और दूसरी यहाँ किचन के कहीं नीचे वीचे छुपी हुई, उसको भी जरा निकालते हुए थोड़ी देर में मेरे दो झाबाज जो अभी लेटे हुए वो उड़ी है। फिर मजा आएगा ना उसको भगाने में। श्यान भाई उठ रहे हो? नहीं उठ रहे? चुहिया भगानी है यार। हाँ श्यान भाई बढ़िया, चुहिया भगानी है। आप अपना मोबाइल चला रहे, मैं समझ रहा हूँ सो रहे हैं। श्यान भाई हैं बढ़िया यार, प्लीज़ अम्मी उठा दो इन दोनों को यार, ताकि फिर हम चूहिया तो भगाए। अमान अपने मुंह से पकड़ लेगा मेरा भाई। अमान तो मुंह से पकड़ लेगा। ओ भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ ले तू? हैं ये चड्डों में घूम रहे, नमाज क्यों नहीं पढ़ ले तू? कैमरा ऑन होते इतने शरीफ बन जाते, और कैमरे के बाद आपको मैं अमान भाई को मिलवाता, लेकिन कैसे कैमरा ही बंद हुआ था, फिर उसके बाद तो ये बजना स्टार्ट होते हैं इनके जो काम है असल में। लेकिन वरना तो ये कैमरे के बिना तो हमारे पूरे एरिया वालों से नहीं संभलते, इनकी ऐसी जबान है। अरे श्यान भाई उठ गए, श्यान भाई उठ रहे हैं, तो बस फटाफट से उठिए, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। सही है, मुँह हाथ धो लो, चूहिया को भगाना। अम्मी बोली किचन में रह गई है एक, उसके बाद जाली वाली भी बंद कर देंगे छोटी छोटी। ओके हमाद जल्दी खड़ा हो यार, तूने व्लॉग का बोला था, व्लॉग स्टार्ट हो गया, मुझे उठा देना भाई, ये भी बड़े मसले करता है। कंबल में एक बार घुस गया तो उसके बाद निकलते नहीं है। हमाद खड़े तो जा, चूहिया भगानी एक ही बची है, शयान भी उठ गया है। हमाद अबे यार इन लोगों के भाई बड़े मसले। एक सेकंड जरा मैं कैमरा बंद करता हूँ, उसके बाद देखो कैसे उठेंगे। अबे निकल आई थी, पता नहीं कहाँ गई। शयान भी उठ गया यार, निकल आई है चूहिया, वो उसको नाश्ते को लगी हुई, अभी अभी यहाँ से देखी हमने। आ जा इधर, तो नहीं है अब, नहीं आई, अब वीडियो ऑन कर ली ना सारी, अब छुप छुप के भागेगी। अब यहाँ पे आई हुई थी अम्मी, जा रही थी किचन में, अब अम्मी को देखा उसने फौरन भाग के। अब यार इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निकाल लेंगे, हम टैलेंट है हमारे पास। मेरे ये दो जाबाज खिलाड़ी राम और लखन उठ नहीं रहे ना, राम लखन उठिया हंसने में लगा हुआ है। मैं नाइट मैच की बना लेता यार, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सब बोल रहे व्लॉग बना, मैं बोला कैसे बनाऊँ यार, मेरी तो हालत टाइट हो गई, मैं तो सेमीफाइनल खेलने से पहले ही घर आ गया। मतलब बस यार फजर का टाइम हो, फटाफट घर पे आ गया, इतनी ठंड लग रही कि नमाज भी नहीं पड़ी यार। देखो अस्तगफुरुल्लाह, ये हरकत मुझे करनी नहीं चाहिए थी। हमाद भाई किचन के अंदर चूहिया यार, निकालनी हमार को, जल्दी खड़े हो जाओ हमाद भाई। यार तुम्हारे नाटक ही ख़त्म नहीं हो रहे, कसम खुदा की इतने नाटक। 2 hours later माद भाई तो उठ गया भाई, चलो। और सयान भाई आप भी उड़िया, आसानी हो जाएगी, लेकिन आप पहले उड़िया। अरे फिर ये मिट्टी तोड़ते हुए देख रहा तू यार, मिट्टी तोड़ते हुए देखता रहता। चलो अभी ये बिस्तर यार इधर से जल्दी जल्दी फोल्ड कर देते, उसके बाद चूहिया भगाएंगे। अम्मी यहाँ खड़ी हुई है, इसका मतलब कि वो बाहर आ रही है, आ रही है, देखते हैं छुपके देख किनारों से आ रही है। अरे दिज्जा भाई अब चूल्हा चल रहा है, अम्मी और आ गया खड़ी के, कहाँ है भैया आ भी जा। चक्कर में अम्मी देख बार बार बाहर भाग रही है, ये नहीं कि उठ के अपन तीनों मिलके भगा दे चूहिया। ये मेरा शेर, ये नारे 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 वो ये मेरा भाई फिर भाग।
क्या बोल गया? डिग्गे तो भाग रहा है। डिग्गे किधर है? वाह तूने तो बल्ला ही उठा लिया, पागल वागल 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 हो गया क्या? क्या है शोर क्यों कर रहा हूँ? तो पहली भाग जाएगी। थोड़ा सा दिमाग में सेंस रखो। अरे श्यान भाई, श्यान भाई, श्यान भाई, श्यान भाई, हमें क्यों नहीं दिख रही? देख के आटे मत गिरा देना। वो आई थी भाग, फिर भाग गई। हाँ देखो गाइस, लोगों के घर में गैस नहीं आई और हम गैस जला के काम कर रहे हैं। तो ये चुपचाप निकलेगी, जगह छोड़ दो, तो आप लोग वहाँ से छुप के रिकॉर्ड करेंगे। सही है, आ जाओ। शान भाई देखो, अभी अम्मी ने बोला कि इसको चुप रहो कि बैठ जाओ, खुद ही निकलेगी। शान तुम काम करो, तुम इस जगह पे बैठ जाओ ताकि इस कमरे में ना जाए, मैं वाले कमरे में खड़ा हो जाता हूँ। ये देखो एक्शन ही खत्म नहीं हो रही, क्रिकेट थोड़ी खेलनी, यहाँ पे चुपचाप बैठ जाए ताकि इस कमरे में ना जाए। कमरे में चले गए जीना हराम कर देगी, और हम इस कमरे में बैठेंगे ताकि इस कमरे में ना आए। ओके सो गाइस, जब तक ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, चूहिया को आके भगा देंगे, तब तक मैं सोच के आ रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि ये जो है ना ये साफ़ करवा दूँ चल के, है ना। तो फटाफट से चलते हैं, ये साफ़ करवाते हैं। हमाद भाई की गुड मॉर्निंग हुई है और कंप्यूटर ऑन हो गया। थोड़ा सी भी शर्म नहीं है कि थोड़ी सी मदद करवा लें, क्या मुँह छुपा रहे हैं, थोड़ी सी मदद करवा लें। पर नाइट मैच खेल लिया, वो भी सिर्फ देखा है, खेला भी नहीं, खिलाया भी नहीं तुम्हारे को, तुम इस लाइक ही नहीं कि तुम्हारे को खिला सके। ये नहीं कि अपना गेम बनाए, हाथ बॉल करा दो तो बट्टा करा दो। क्या यार, बस 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 यार, बस 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 यार, बस अब तुम्हारी हट गई यार। चलो अपन फटाफट चलते हैं, चप्पल यही वाली पहन लेते हैं। चलो वाओ, वो मोबाइल बजी है, हाथ से छिट गया था। तो भाई नायक की दुकान पे तो है रश अभी, तो हमने बोल दिया सर की नमाज के बाद आके इसको बंद कर दो यार, भीड़ भीड़। तो बस नमाज पढ़ के आके फिर हमने बोला कि हमारा टाइम आ जाएगा, उसने बोला तुम्हारा टाइम आएगा, तो बस मैंने बोल दिया सही है, हम चलेंगे साढ़े मतलब आधे घंटे बाद, साढ़े चार बजे तक या उससे थोड़े और बाद नमाज वमाज पढ़ के। यही साफ करवानी, मेरे को तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। अब मैंने बल्ला ही मार दिया बेचारी को यार, ऐसे थोड़ी मारना था, किधर है? अबे यार अम्मी, इतना बुरा नहीं मारना था उस बेचारी को, हम तो घर से भगाने वाले थे उस बेचारी को, हमने मार ही दिया उस बेचारी को यार, हम तो भगाने वाले थे घर से, हमने तो उसको बल्ला ही मार दिया, बेचारी चिल्ला रही थी। ऐसा थोड़ी ना होता है, मारने के बाद रोने वाला मुँह बन गया। तो अम्मी क्यों मारा, क्यों आपने, जब नहीं बर्दाश्त है भैया, रो नहीं होंगे मारने के बाद पुनः रे अबे यार, फिर वो अंदर ही घुस गई अबे यार। बैटिंग पे मोहित भाई, बॉलिंग पे हमाद भाई, बड़ा नाम गढ़वाने के लिए आते हैं मोहित भाई, बड़ा नाम गढ़वाने के लिए आते हैं। ओए जब ने मोबाइल डाला हुआ है, बड़ा छोटा कोई नहीं, क्या कुछ नहीं, तो आपको बॉलिंग कर लो यार। अबे भाई मोहित भाई हम लोग तो बचने दो, चलो देखो मैं हम बात नहीं कर रहा, इसके हंसने की वजह बताओ, मैं ब्लॉग मैंने ऑन ही नहीं करा और बना रहा हूँ, फिर मुझी ने मुझे बताया मुझे ब्लॉग तो ऑन कर लो, ये वाला मीम लगा दो, ये हम लगा कुछ भी। चप्पल क्या ले रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे चप्पल भाई तुम लोग बल्ला बॉल रखो पहले, नमाज पढ़ने चलो फटाफट से, टाइम हो गया नमाज का, आ जाओ। चलो शान भाई नमाज पढ़ने, अबे टोपी पहन ली मेरे दोस्त ने तो, चलो मुझी भाई रेडी है, क्या देख लियो, चुप हो यार, तो भैया ये क्या देख लियो, अब लगाएंगे इसको चार्ज, यस ये लग। सो भाई नमाज तो पढ़ ली है, अब चलते फटाफट से क्लीन कराने अपने आप को, जो करवाना बहुत जरूरी है, बहुत टाइम हो गया, बहुत बड़े बड़े बाल हो गए, सो फटाफट से चलते हैं, आयो। ओ भाई क्लीन हो के थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साले ने मशीन मार दी यहाँ पे। पढ़ाकू बच्चा अनस के साथ क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहा लौंडा, छुपा क्यों रहा है, ऐसे छुपा रहे थे पता नहीं क्या पढ़ रहा भाई। सो भाई रात के बज गए 12:30 और अब हम करेंगे व्लॉग, एंड ये लोग अभी भी कंप्यूटर ही चला रहे हैं। और मजे की बात एक बात, चिड़िया अम्मी ने ही मार दी, मतलब जो हमने सोचा नहीं था वो गया, अम्मी गई, अम्मी ना रोटी वगैरह बना रही थी, वो अचानक से बाहर आई, बल्ला हम शान यहीं रख के चले गया था, वीडियो में देखा होगा आपने, तो अम्मी ने वही बल्ला उठाया और उसको मार दिया, और उसके बाद खुद रोने लग गए, मैंने क्यों मार दिया इसको ये।
अबे यार हम भी ना ऐसी बातें लेडीज थोड़ी मार सकती है किसी को, तो बस इसमें तो बस फिर हमने बोला चलो खैर एक काम तो अपने अच्छा कर लिया, मार दी ना जीरा हराम हो गया था, सो ही नहीं पा रहे थे अम्मी ऊपर सो लिया, हम लोग तो खैर नाइट में खेल लेते इस वजह से आए सुबह, और आते हमने क्या करा पूरी ब्लैंकेट अपने ऊपर उड़ ली ताकि वो अंदर ना घुस सके भाई इस वजह से। खैर अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मिलेंगे क्योंकि अगले ब्लॉग में बहुत देर लगा दी हमने है ना, सो अब बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, सो अल्लाह हाफिज़। गुरबत कैसी चाहिए, टूथपेस्ट कैसे निकाल रहा है, अबे भाई मंजन है का, मंजन कर ले, मंजन इंसान कर ले क्या, देखो यार कितना जुगाड़ी बंदा, टूथपेस्ट कैसे निकाल रहा है ये देखो, शर्म नहीं आती। अम्मी आप भी कुछ नहीं बोलिए, आप भी बोलिए करने दो,